आज ब्लूमिंग बर्ड्स इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल बैरगनिया में खसरा और रुबेला के टीकाकरण का प्रखंड स्तरीय शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बैरगनिया चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने बच्चों से इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, इस टीकाकरण से होने वाले फायदे के बारे में बताया। जो प्लान है उसके अनुसार 17 से हम लोग शुरू किए हैं और आपके स्कूल से ही ये पहले पहल हम लोग उद्घाटन करके शुरू करवा रहे हैं। यह दो बीमारी के बच्चे के विरुद्ध आपको जो है प्रोटेक्शन देता है। एक बीमारी है मिजिल्स, जानते हैं मिजिल्स क्या होता है? नहीं जानते हो ना? चिकन पॉक्स नहीं बेटा, चिकन पॉक्स नहीं, बता देते वो गांव घर में तुम देखते होगे छोटे छोटे बच्चे में खसरा हो जाता है, महीन महीन दाना, सुने हो? लोग माता भी बोलते हैं, छोटी माता हो गया है। चिकन पॉक्स नहीं, बताते हैं तुमको चिकन पॉक्स, इसके बाद हम बात करते हैं। यह तुम जान जाओ वो है मिजिल्स है। मिजिल्स बेटा सबसे ज्यादा यह जो है संक्रामक रोग है, तुरंत फैलता है। यदि एक बच्चे को यहाँ हो गया, दूसरा बच्चा इफेक्टेड हो जाएगा, तीसरा इफेक्टेड हो जाएगा। तो मिजिल्स जो है यह एक वायरस से फैलता है, वायरल डिजीज है। इसमें छोटा छोटा दाना शरीर पर हो जाता है, छोटे बच्चों में हाई बुखार हाई फीवर हो जाता है। इसके अलावा नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, गर्दन में जो है खराश हो जाना, समझे ना, ये इसका लक्षण है। तो हम पूछो कि डॉक्टर साहब हम क्यों लेंगे ये टीका, नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये बीमारी चूंकि खतरनाक बीमारी, इससे एंसेफलाइटिस होने का डर रहता है। एंसेफलाइटिस माने मस्तिष्क का बीमारी, उसमें हाथ पैर जो है चमकने लगता है, बुखार रहता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, मरने की। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, डॉक्टर संजय झा, बैरगनिया अस्पताल के प्रबंधक अरुण कुमार प्रशांत, प्रिंसिपल राज तमांग एवं बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे।